राजद कार्यकर्ताओं ने 5 जून को भागलपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ महाधरना को लेकर जनसंपर्क अभियान। राजद परिवार के द्वारा 5 जून को भागलपुर के समाहरणालय में केंद्र सरकार के खिलाफ महाधरना को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क अभियान। भागलपुर सुल्तानगंज में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर भागलपुर के समाहरणालय में महाधरना के आयोजन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक का आयोजन करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद युवा जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता ने की। इस दौरान दिलीप कुमार गुप्ता, राजद युवा नेता इंजीनियर सुजीत कुमार, दिलीप दीवाना, मोहम्मद इस्लाइल ने कहा कि 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर राजद परिवार के द्वारा भागलपुर के समाहरणालय में जन विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, जाति जनगणना, नई शिक्षा नीति सहित अन्य मांगों को लेकर महाधरना का आयोजन किया जाएगा और कहा कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लावे, अन्यथा पूरे बिहार एवं देश से भाजपा की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उखाड़ फेंकने का काम जनता द्वारा किया जाएगा। इस दौरान राजद परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। सुल्तानगंज भागलपुर से कम 2000 की संख्या में राजद युवा कार्यकर्ता भागलपुर में महाधरना को सफल बनाने के लिए हम लोग कल जा रहे हैं। मैं दिलीप कुमार गुप्ता, युवा राजद जिला उपाध्यक्ष। की नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के शुभ अवसर पर युवा राजद महाधरना का आयोजन समारोह परिसर में करने का काम करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जाति जनगणना होनी है, जिसे एक कूटनीति के तहत इसको बंद कर दिया गया और शिक्षा में भी शिक्षा नीति को भी बदल दिया गया है। इन सभी को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन भागलपुर समारोह के परिसर में करने का काम करेंगे और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कब ये धरना होगा? कल संपूर्ण क्रांति 5 जून के शुभ अवसर पर 11 बजे। सरकार के विरोध में कल 5 जून को भागलपुर समाहरणालय में युवा राजद द्वारा अहम बैठक की गई है केंद्र सरकार के विरोध में। क्या अभियान है, क्या महाधरना को लेकर, क्या जातीय गणना सबसे पहले होना चाहिए और भी लोग